आधार कार्ड नंबर यानी कि 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर जो कि UIDAI मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है। हर एक किसी का अपना एक यूनिक आधार नंबर होता है। अब यहाँ अगर हम बात करें कि अगर आपको अपनी खुद की पहचान या फिर अपना खुद का पता प्रूफ करना है कि आप किसी एड्रेस पर रह रहे हैं या आपकी ये आइडेंटिटी है, तो वो आप कैसे प्रूफ करेंगे? विद द हेल्प ऑफ योर आधार कार्ड। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और हाल ही में UIDAI ने अब न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी आधार कार्ड अलाउ कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और एज़ पर UIDAI नॉर्म्स, माइनर और न्यूबॉर्न बेबी के लिए बायोमेट्रिक की ज़रूरत भी नहीं होगी। न्यूबॉर्न बेबी के केस में उनकी UID प्रोसेस की जाएगी उनके डेमोग्राफिक डिटेल्स के बेसिस पर और उनकी फेशियल पिक्चर लिंक की जाएगी उनके पेरेंट्स की UID के साथ में। यहाँ पर जब आपके न्यूबॉर्न बेबी की उम्र 5 साल की हो जाएगी तब आप उनका 10 फिंगर बायोमेट्रिक करा सकते हैं और जब उनकी उम्र 15 साल की हो जाएगी तब उनकी फेशियल फोटोग्राफी होगी। तो पेरेंट्स के लिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखने की है कि जब आपके न्यूबॉर्न बेबी की उम्र 5 साल की हो जाए तब आप उनका 10 फिंगर बायोमेट्रिक टाइम पर ज़रूर करा लें और जब उनकी उम्र 15 साल की हो जाए तब आप उनकी फेशियल फोटोग्राफी भी टाइम पर करा लें। यहाँ पर अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि आप ये अप्लाई कर कैसे सकते हैं, अपने न्यूबॉर्न बेबी का आधार कार्ड कैसे अप्लाई करें। तो आपको सिर्फ सिंपल, बहुत ही सिंपल स्टेप्स में क्या करना है कि आपको UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट UIDAI.gov.in पर लॉगिन करना है और गेट आधार पर क्लिक करके अपनी अपॉइंटमेंट अपने नियर बाय आधार कार्ड सेवा केंद्र में बुक करनी है और बस वहाँ पर विजिट करके आप अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए आधार कार्ड रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियो और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।